वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल परेश जैन में स्वागत है। दोस्तों तो आज जो है आदित्य भी मेरे साथ में है। कल रात को बहुत देर हो चुकी थी तो रात को हम दोनों एक ही रूम में मेरे साथ में ये सोया था और बहुत धमाल की कल भी हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही खूबसूरत पार्टी को इन्जॉय किया, सनसेट को इन्जॉय किया है। तो आज कुछ सीन ऐसा है कि अब मैं अपना रूम जो है स्वीट लेक का, जहाँ मैं इतने दिनों से रह रहा था, मेरा घर, मैं रूम नहीं कहूँगा घर, आज वो मैं चेंज कर रहा हूँ। और तंत्रा योगा ना, तंत्र लोका रिट्रीट सेंटर है। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, यहीं आरंबोल पे है और दार्जिलिंग की सोनम योगिनी दार्जिलिंग की सोनम योगिनी जो है वो इस प्रॉपर्टी को पूरा चलाती है, तंत्रिका है। तो कल जो है जॉर्जी वहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, कल रिया वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, गौरव वहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, अब बचे मैं और ये। तो दो दिन मेरे पास में और है एंजॉय करने के लिए, तो सोचा कि दो तीन दिन हम सभी लोग साथ में रहेंगे वहीं पे और वहीं पे धमाल करेंगे। और बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है, शिफ्ट करने का वजह मेरा ये भी है कि बहुत ही स्पिरिचुअलिटी से भरी वो जगह है। चारों ओर ओशो मंदिर, अगरबत्ती, पूरा माहौल जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ माहौल है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं दो दिन वहीं पर स्टे करें। तो आज जो है मैंने भी अपना रूम चेकआउट कर लिया है, लगेज पूरा मेरा रेडी है। इस वक्त आप मेरे पीछे लगेज देख सकते हो, पूरा मेरा पड़ा हुआ है और ये लगेज लेके सीधे हम दोनों यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं और यहाँ से सीधे जो है तंत्र लोका रिट्रीट सेंटर में जाएंगे। उस प्रॉपर्टी को भी शूट करके आपको दिखाऊंगा, बहुत ही नई प्रॉपर्टी है, आई थिंक दो तीन महीने पहले ही उन्होंने इसे स्टार्ट भी किया है। तो आई विल इंट्रोड्यूस यू ऑल विद दिस ब्यूटीफुल न्यू रिट्रीट सेंटर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों इस वक्त मैं तंत्रा रिट्रीट सेंटर में आ चुका हूँ और मैं चेक इन भी कर लिया है मैंने यहाँ पे। यहाँ पे आज दो नए दोस्त बने हैं मेरे, एक सानी और एक माया, जो कि एक जर्मन शेफर्ड डॉग है और दूसरे की ब्रीड मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही क्या कहूँ यार, मुझे तो वैसे भी पैट्स से बहुत ही प्यार है और डॉग्स आर लाइक माय फेवरेट। तो आते ही दोस्ती हो चुकी है उनसे, फोटोग्राफ क्लिक किया, इंस्टाग्राम पे डाली है मैंने अपनी स्टोरी उनके साथ में, बहुत ही जल्दी फ्रेंडली हो गए। और इस प्लेस के आसपास भी जो एक्सप्लोर करने के लिए, बता दो कि बाजू में ही एक कॉफ़ी शॉप है यहाँ पे, 8484 ऐसा कुछ नाम है, मैं आपको देख के बता दूँ क्या नाम है इसका एग्जैक्टली। मेरे सामने है 8848 कॉफ़ी शॉप है यहाँ पे। इसके ठीक सामने जो है फ्रूट की दुकान आप मेरे पीछे देख सकते हो। और इस वक्त जो मेरे ठीक सामने से जो रास्ता जा रहा है ये रास्ता सीधा लव टेम्पल की ओर लेके जाता है और यहाँ पे अच्छे पराठा और खाने का सब मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक छोटी सी रेस्टोरेंट है जहाँ पे सब कुछ खाने का आपको मिल जाएगा। और यही रास्ता जो ख़त्म होता है जहाँ पे हम लोग रोज़ बैठ के टाइम पास करते थे लव टेम्पल में, जहाँ पे हम बाइक पार्क करते थे, वही रास्ता है, सिर्फ 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो आसपास क्या क्या अच्छा है मैंने आपको बता दिया, अगर आप तंत्रा रिट्रीट सेंटर में उतरते हो तो चाय, कॉफ़ी, खाना पीना, फ्रूट सब यहीं पर है, सब्जी यहीं पर है। तब आपको ले चलता हूँ तंत्रा रिट्रीट सेंटर में कि वो कितना खूबसूरत है, उसका एक वीडियो शूट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे बैक साइड में ये कॉफ़ी शॉप, वैसे ब्रेकफास्ट में मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो पहले 8848 में मैं एक कैपेचिनो लूँगा और उसके बाद मैं आप सभी को जो है तंत्रा रिट्रीट सेंटर में लेके चलूँगा और उसे रूबरू कराऊँगा। आसपास में 2 ग्रॉसरी शॉप है, जैसे पीछे एक देख सकते हो ग्रॉसरी शॉप है और आगे यहाँ पे एक और ग्रॉसरी शॉप है। तो ज़रूरतमंद की सारे सामान जो है आपको यहीं आसपास मिल जाता है। और तंत्रा रिट्रीट सेंटर में जो है उनका खुद का किचन भी है जहाँ पे चाय, कॉफ़ी और सब कुछ बनाया जा सकता है। सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब एनर्जी से भरी हुई जगह है। ये देखिए, ये भी एक ग्रॉसरी शॉप है मेरे पीछे, मैं रास्ते में अब चल के जा रहा हूँ। तो जगह बड़ा ही शांत है, सुंदर है और ग्रीनरी से भरा हुआ है, तो आप जरूर आइए।
Guys, it's 4 o'clock. So me and Georgie both are living for Garden of Dreams. क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 या 3, 5 मिनट का रास्ता है चल के यहाँ पे. तो आज कुछ ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, एक्सप्लोर करने को था नहीं, क्योंकि सबकी शिफ्टिंग चल रही थी रूम की. तो हम सभी आज एक साथ में यहीं पे इसी तंत्रा रिट्रीट सेंटर में है. तंत्रा लोका रिट्रीट सेंटर में. सो जॉर्जी, डू लाइक दिस प्लेस, तंत्रा लोका? इट्स गुड, वी हैव अ गुड वाइब. इट्स लाइक दे हैव तंत्रा क्लासेस एंड ऑल, तंत्रा योगा इज देयर, दे हैव, या that's they have some, there is some kirtans happening today, yeah, evening. Yeah, we'll update you on that also. So we all are excited for that kirtan. Definitely I'm going to shoot this thing and I'll put it onto YouTube and Instagram also. So you all guys enjoy. तो वहाँ पे भी अगर कुछ अभी गार्डन ऑफ ड्रीम्स में भी कुछ अच्छा अगर हमें म्यूजिक का कोई इवेंट मिल रहा तो डेफिनेटली वो भी शूट करके इंस्टाग्राम और सेम यूट्यूब पे भी डालूंगा. तो आप भी इंजॉय कीजिए. दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज शून्य में डोंट लुक अप करके एक रशियन मूवी थी जो कि हम देखने के लिए गए थे वहाँ पे, बहुत ही बड़े प्रोजेक्टर पे, ओपन जंगल में प्रोजेक्टर लगा के उन्होंने मूवी वहाँ बताई थी और मूवी के नीचे जो थे वो इंग्लिश सब टाइटल थे. हमने वो मूवी देखी. मूवी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, फैंटास्टिक मूवी, यू मस्ट वॉच दिस मूवी. आज का दिन जो है बस मैं मूवी देखने के बाद समाप्त करता हूँ. अब यहाँ पे जो है हम सारे ओशो लवर जो है यहाँ बैठे हुए हैं तंत्रा लोका में, रिट्रीट सेंटर में, और बहुत सारी स्पिरिचुअल टॉक करने वाले हैं. तो अब मैं जो है वीडियो शूट करने के मूड में नहीं हूँ, और जो भी बात करूँगा अगर उनमें से कुछ अच्छी बात अच्छी तो निकलने वाली है. काफ़ी सारी बात अच्छी सी डिस्कशन होने वाली है स्पिरिचुअलिटी पे. तो जो भी अच्छी बातें रहेगी मैं कल के वीडियो में ज़रूर उसे शूट करूँगा और आपको बताऊँगा. बस आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ. अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद इतना कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ. थैंक यू वेरी मच दोस्तों.